हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से माउंट आबू और आपसे शेयर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे जब आप अपनी माउंट आबू की ट्रिप प्लान करेंगे। और हम आपको एक हिडन प्लेस भी लेकर चलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम दिल्ली से निकले अर्ली मॉर्निंग क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था और देखते ही देखते मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लगी और बहुत खूबसूरत लगने लगा। ट्रिप का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि बारिश होने लगी और काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका था। तो रास्ते में बहुत ग्रीनरी थी और रिफ्रेशिंग एयर थी और मौसम कुछ ऐसा था कि जिसने हमें मजबूर कर दिया कि हम उतर के, गाड़ी से उतर के कुछ पिक्स क्लिक करवाएं। इन नज़ारों को देखते देखते हम कब आबू रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला क्योंकि रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। सो यहाँ से आबू रोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ काफ़ी होटल्स हैं, काफ़ी ढाबे हैं जहाँ आप रुक के ब्रेक ले सकते हैं, टी ब्रेक ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ से शुरू होता है सारा हिली एरिया जो कि 22 किलोमीटर की आपकी ड्राइव रहेगी। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी ड्राइविंग टिप देना चाहूँगी क्योंकि रोड काफ़ी नैरो हैं, काफ़ी छोटे हैं, तो आप ड्राइविंग को आराम से करें। आगे आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहें और तब तक इस हिली ड्राइव का मजा लीजिए। बात करते हैं माउंट आबू कब विजिट किया जाए। वैसे तो आप कभी भी किसी भी सीज़न में यहाँ आ सकते हैं, बट मॉनसून सीज़न में यहाँ की ब्यूटी और बढ़ जाती है। रास्ते में आपको बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को आपको मिलेगी, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा माउंट आबू की ट्रिप में मानसून में। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप मानसून सीज़न में यहाँ विज़िट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, हरियाली देखने को मिलेगी, बारिश के साथ साथ आपको मौसम बहुत सुहाना मिलेगा। अब बात करते हैं होटल ऑप्शंस की। वैसे तो यहाँ काफ़ी होटल्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अवेलेबल हैं, नक्की लेक के पास आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बट इम्पॉर्टेंट टिप आप सबके लिए यहाँ पर ये है कि अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो ट्राई करें यहाँ होटल्स को ऑनलाइन बुक करा कर आएँ, और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो नीचे ही ले लें क्योंकि यहाँ पर आबू रोड जहाँ स्टार्ट हुई थी वहीं पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पर आप ऑफलाइन बुक वहाँ करा सकते हैं। वहाँ आपको होटल्स 1500 से 3000 की रेंज में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे भी हैं, एमिनिटीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। अदरवाइज़ होटल के प्राइजेज जो वीकेंड पे यहाँ रहते हैं वो 6000 से 10000 की रेंज में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। हम लोग का भी जो होटल था वो 6000 की रेंज में था जिसकी एमिनिटीज़ इतनी कोई खास नहीं थी। सो फाइनली हम पहुँच गए नक्की लेक और यहाँ हम आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ आप सुंदर सुंदर पिक्स क्लिक करवा सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं, आइसक्रीम पार्लर वहाँ पे आपको काफ़ी सारे हैं जहाँ आप आइसक्रीम खा सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको वहाँ मिल जाएंगे खाने पीने के, आप अलग अलग जगह नक्की लेक पे घूम सकते हैं। तो सेकेंड प्लेस है ब्रह्म कुमारी पैलेस। सो शाम को ये 8 बजे तक बंद हो जाता है, तो कोशिश करें 8 बजे से पहले आए। हमारे टाइम पे ये 8 बजे बंद हो गया था। हमने डिसाइड किया हम नक्की लेक के अराउंड ही वॉक कर लेते हैं क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा फॉगी था, तो बहुत मज़ा आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी था, तो हम लोग को वॉक करने में काफ़ी मज़ा आया। सो वॉक करते करते हमें मिला एक हॉरर व्यू,
वहाँ पे नक्की लेक के पास स्ट्रीट पर। इसके बाद हमने डिनर किया और वापस होटल आ गए। सो ये था हमारा डे वन। आइए शुरुआत करते हैं अपने डे टू की और अब हम जा रहे हैं गुरु शिखर। यहाँ पे आप सभी के लिए एक टिप है जो गुरु शिखर जाने में आप सभी के काम आएगी। सो यहाँ पे अगर आप गुरु शिखर जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए, अदरवाइज रोड काफ़ी कंजस्टेड है और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिल सकता है, तो यहाँ जल्दी आने का फ़ायदा है। तो ये है टॉप व्यू गुरु शिखर का। क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा फॉगी था, यहाँ पे नीचे का व्यू ऐसा नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे बहुत मज़ा आया। एकदम टॉप पे थे हम माउंट आबू। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जा सकते हैं पीस पार्क, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी, जहाँ फोटोज क्लिक करा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। बट वहाँ पे फोटोज भी क्लिक कराना अलाउ नहीं है, बट हमने चुपके से कुछ फोटोज क्लिक करा ली। देन आप जा सकते हैं वैक्स म्यूजियम, जहाँ हम मोदी जी से मिले और जहाँ पे काफ़ी सारे और भी सेलिब्रिटीज के स्टैचूज हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम गए आंचलगढ़ फोर्ट, जो काफ़ी ब्यूटीफुल था और यहाँ का टॉप व्यू काफ़ी सुंदर था, जहाँ एक लेक थी, एक छोटी सी लेक टाइप थी जो सरप्राइजिंग था कि इतना पानी वहाँ कैसे आया। और ये है बहुत खूबसूरत टॉप व्यू ऑफ आंचलगढ़ फोर्ट। और इसी के साथ साथ आपको एक सीक्रेट चीज बताऊं, यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक जाता है जो है काली माता के मंदिर का, जो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि जो उसका रास्ता है काफ़ी छोटा था, काफ़ी नैरो था, इसलिए वो शूट नहीं हो पाया, बट आप वहाँ ज़रूर विजिट कर सकते हैं। बाद आप जा सकते हैं जैन टेम्पल, दिलवारा टेम्पल या फिर टॉड रॉक और दिलवारा टेम्पल हम नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज। इसके बाद बात करते हैं आसपास की जगह की, जाने की माउंट आबू के बाद। सो आप जा सकते हैं उदयपुर, आप जा सकते हैं यहाँ से जोधपुर, लेकिन हम यहाँ से गए किशनगढ़, जो कि एक हिडन जैम है, हिडन प्लेस है, जिसकी बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों से की थी, जो एक बहुत खूबसूरत जगह है, जो सबसे स्पेशल बात ये एक मैनमेड जगह है और इस जगह पे प्री वेडिंग फोटोशूट करा सकते हैं जो कि पेड होता है, बाकी आप नॉर्मल फोटो क्लिक आप यहां करवा सकते हैं। इसके बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ और इस सनसेट की तरह हमारी ट्रिप भी यही ख़त्म हुई।